अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लेसन डेमन एंड पिथियस, रिटन बाय फैन किसन। और इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे इस लेसन का पार्ट वन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास करेक्टर्स कौन कौन से हैं इस लेसन में। तो टू फ्रेंड्स हैं, एक ये डेमन और एक पिथियस, ये दो फ्रेंड्स जिनके मेन करेक्टर हैं इस लेसन में। इसके अलावा इसमें करेक्टर है द किंग, यानी कि बादशाह है, सोल्जर इस बादशाह के सिपाही हैं, फर्स्ट रोबर पहला चोर, सेकंड रोबर दूसरा चोर या लुटेरा, फर्स्ट वॉइस पहली आवाज़, सेकंड वॉइस दूसरी आवाज़, थर्ड वॉइस तीसरी आवाज़। क्योंकि ये एक प्ले है तो प्ले में अक्सर होता है ना कि पीछे से आवाज़ें आती हैं और आपको बताते हैं पूरी स्टोरी, तो ये उस तरह की वॉइस है। इसमें मदर है और नरेटर, नरेटर होता है बयान करने वाला या स्टोरी सुनाने वाला जो कहानी हमें सुना रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी सेटिंग्स क्या क्या हैं। सेटिंग्स हैं इसकी, यानी कि वो कौन सी जगह है, कहाँ पर ये वाकिया हुआ है और सिचुएशन क्या है। तो अब सेटिंग्स में बता रहे हैं लॉन्ग लॉन्ग अगो। अगो का मतलब होता है बहुत पहले, बहुत 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 पहले। ऑन द आइलैंड ऑफ सिसिसली, आइलैंड है जजीरा सिसिसली का, के सिसिसली के जजीरे पर क्या था, मतलब आपको लोकेशन उन्होंने बता दी है कि बहुत पहले की बात है और बात कहाँ की है, सिसिसली के आइलैंड की है। तो अब ये किस तरह की आवाज़ें, क्योंकि ये एक प्ले है जो कि स्टेज पे परफॉर्म हो रहा है, तो साउंड आया है कि आयरन डोर ओपन्स एंड शट्स, कि लोहे का बड़ा भारी दरवाज़ा है जो खुला है और बंद हो गया है, उसकी आवाज़ एक सुनाई दी है, की इन लॉक, और फिर उस डोर में की करने की मतलब चाबी से लॉक लगाने की आवाज़ें आई हैं। उसके बाद म्यूज़िक अप फुल एंड आउट, थोड़ा सा म्यूज़िक बजा है जो थोड़ा सा ऊंचा हुआ है और उसके बाद वो म्यूज़िक जो है वो फिनिश हो गया है। तो ये इस सिचुएशन में ड्रामा जो है वो प्ले शुरू हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अब जिस तरह से आप लोग ड्रामा देखते हैं, एक ही सीन तो नहीं होता ना उसमें, उसमें डिफरेंट सीन आ रहे होते हैं, कभी एक करेक्टर का सीन दिखाते हैं कभी दूसरे करेक्टर्स का। तो अब हमने जितने भी करेक्टर्स पढ़े हैं उनके बारी बारी सबके सीन आएंगे, तो इस लिहाज से इस ड्रामे में जितने भी सीन हैं वो सबके अलग अलग हैं। तो अब हम देखते हैं कि सीन वन में सबसे पहले मंजर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे। तो सीन वन में हमारे पास है नरेटर, यानी कि इस स्टोरी को बताने वाला या सुनाने वाला जो हमें ये कहानी बयान कर रहा है, किस्सा गो भी हम जिसको कह सकते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड ऑन द आइलैंड ऑफ सिसिसली टू यंग मैन नेम्ड डेमन एंड पिथियस। कहता है कि बहुत बहुत अरसा पहले सिसिसली के जजीरे पर दो नौजवान जो हैं वो रहते थे, एक का नाम था डेमन और एक का था पिथियस। देवर नाउन फार एंड वाइड, नाउन होता है मशहूर होना, फार एंड वाइड होता है दूर दराज तक, वो मशहूर थे दूर दराज तक। किस चीज़ में मशहूर थे, फॉर स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप ईच हैड फॉर द अदर, एक दूसरे से मजबूत दोस्ती की वजह से जो एक जो है वो दूसरे के लिए रखता था। तो इस दोस्ती की वजह से दूर दूर तक उस जजीरे में दोनों दोस्त मशहूर थे, यानी कि उनकी दोस्ती बहुत फेमस थी। देयर नेम्स हैव कम डाउन टू आवर ऑन टाइम्स टू मीन ट्रू फ्रेंडशिप। अब ये जो नरेटर है वो कह रहा है कि इन दो दोस्तों के नाम जो है ना, कहते हैं हमारे अपने वक्तों तक चले आए हैं। यू मे हियर इट सेट ऑफ टू पर्सन्स, कहते हो सकता है कि आपने भी कभी दो शख्स को इस बारे में बात करते हुए सुना हो। अब फर्स्ट वॉइस आ रही है पीछे से, पहली आवाज़ आई है प्ले के दौरान, क्या फर्स्ट वॉइस, दोस्त टू, अच्छा वो दो, वाई दे आर लाइक डेमन एंड पिथियस, कहते हैं कि वो जो दो हैं वो डेमन और पिथियस है, वो पूछ रहे हैं कि वो किस तरह के हैं, मतलब किस तरह के दोस्त हैं। अब नरेटर जो किस्सा गो है वो क्या कह रहा है, द किंग ऑफ दैट कंट्री वॉज अ क्रूअल टायरेंट, कहता है वहाँ का जो मुल्क है वो एक जालिम और जाबर हुक्मरान था। ही मेड क्रूअल लॉज, वो अब क्या करता था, मेड बनाता था क्रूअल लॉज, जालिमाना कवानीन बनाता था। एंड ही शोड नो मर्सी टुवर्ड एनीवन, और वो किसी की तरफ भी मर्सी रहम जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं शो करता था, यानी कि किसी के ऊपर भी तर्स नहीं खाता था। हु ब्रोक हिज लॉ, जो कि इसके कानून तोड़ देते थे।
मतलब बादशाह था। अब वो बादशाह क्या है कि जस्ट उसने बहुत ही क्रूअल किस्म के लॉज बनाए हुए हैं, और जो कोई उसके वो जालिमाना जो लॉज हैं कवानीन तोड़ देता था वो उस पर उसे बाकायदा सजा देता था, और उस पर बिल्कुल भी कोई तर्स नहीं खाता था। अब वो कह रहा था, नाउ यू माइट वेरी वेल वंडर, कहते हैं अब आप जो है ना बहुत ज़्यादा हैरान होंगे ये बात सुन कर के, सिर्फ अपनी इस वजह से कि देखो उसने मेरा बनाया हुआ कानून तोड़ दिया और ये सजा देता था लोगों को। सेकेंड वॉइस, अब जो दूसरी आवाज़ है यानी कि दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, दूसरी आवाज़ क्या कह रही है, वाई डिड नॉट द पीपल रिबेल। रिबेल होता है बगावत करना, जैसे किसी जालिम या जाबिर हुक्मरान के खिलाफ लोग उठकर जब आवाज़ उठा देते हैं उसको हम कहते हैं रिबेल या बगावत। तो वो कह दूसरी आवाज़ आई है कि लोगों ने फिर बगावत क्यों नहीं की उस बादशाह के खिलाफ। तो अब नरेटर जो किस्सा गो है वो बता रहा है, वेल द पीपल डिड नॉट डेयर रिबेल, कहते हैं लोग जो है ना बगावत करने की जुर्रत भी नहीं करते थे, बिकॉज क्योंकि दे फियर्ड द किंग्स ग्रेट एंड पावरफुल आर्मी। क्यों नहीं करते थे वो बगावत करने की जरूरत, क्योंकि वो डरते थे बादशाह की ग्रेट बड़ी और ताकतवर जो आर्मी है, जो उसके सिपाही हैं या उसकी जो ताकतवर फौज आप कह लें, उससे डरते थे। नो वन डेयर्ड से अ वर्ड अगेंस्ट द किंग और हिज लॉज, इसी वजह से कोई भी बादशाह या उसके बनाए हुए कवानीन के खिलाफ जो है बात एक वर्ड भी कहने की जुरत नहीं कर सकता था, एक्सेप्ट डेमन एंड पैथिस। अब क्या हुआ कि डेमन और जो पैथिस हैं इन दोनों ने कोई बात की होगी ना बादशाह के कवानीन के खिलाफ जिसकी अब ये बात कर रहे हैं। स्पीकिंग अगेंस्ट अ न्यू लॉ द किंग हैड प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम्ड होता है दावा करना। अब कह रहे हैं कि सिवाय इसके कि डेमन और पैथिस ने क्या किया है, स्पीकिंग अगेंस्ट, अगेंस्ट होता है खिलाफ, कि वो बादशाह के खिलाफ जो है उन्होंने बोले हैं, और किसके खिलाफ बोले हैं, बादशाह ने कोई न्यू जो है वो लॉ बनाया है, कोई कानून ऐसा न्यू बनाया है जिसके खिलाफ वो दोनों दोस्त बोल उठे हैं, और यहीं से अब असल स्टोरी शुरू होती है। अब क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा है वो अपने बनाए हुए लॉस के खिलाफ भी बातें नहीं सुनता था, तो अब इन दोनों दोस्तों ने उसके खिलाफ जो है बोला है। तो अब क्या हुआ है कि वहाँ पर सोल्जर सिपाही आ गया है, हो देयर, कहता है हो देयर, हु आर यू दैट डियर टू स्पीक सो अबाउट आवर किंग, कहता है कि आखिर तुम हो कौन जिसने हमारे बादशाह के खिलाफ बोलने की जुर्रत की है। पैथिस, अन अफ्रेड, अब वो बिला डरे हुए हैं ना, नडर, क्या कह रहे हैं, आई एम कॉल्ड पैथिस, कहता है मुझे जो है पैथिस कहते हैं, अपना नाम बता रहा है। सोल्जर आगे से कह रहा है, डोंट यू नो इट इज़ अ क्राइम टू स्पीक अगेंस्ट द किंग और हिज लॉज, कहते हैं क्या तुम नहीं जानते कि ये एक क्राइम है, जुर्म है बाकायदा, कि बादशाह या उसके बनाए हुए कवानीन के खिलाफ बोलना जुर्म है, तुम्हें नहीं पता। यू आर अंडर अरेस्ट, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। कम एंड टेल दिस ओपिनियन ऑफ योर्स टू द किंग्स फेस, कहता है आओ मेरे साथ चलो और टेल दिस ओपिनियन, ओपिनियन होता है राय, और कहता है ये जो तुम्हारी राय है ना बादशाह के चेहरे के सामने यानी कि बादशाह के सामने बयान करो। अब क्या हुआ है, म्यूज़िक अ फ्यू शॉर्ट बार्स इन एंड आउट, के उसको सोल्जर्स पकड़ के लेकर जा रहे हैं, तो वो स्टेज पर थोड़ा सा म्यूज़िक प्ले हुआ है, उसके बाद ख़त्म हो गया है। अब हमारे पास आ गया है सीन टू। पहले मंजर में आपको उसने बताया है कि दो दोस्त थे और उन्हें क्यों सोल्जर्स ने पकड़ा है, क्या रीज़न था। अब हम देखते हैं कि सीन टू में क्या बात हो रही है। तो नरेटर यानी कि वही हमें जो स्टोरी सुनाने वाला है या किस्सा गो, क्या कहता है, व्हेन पैथिस वाज ब्रॉट बिफोर द किंग ही शोड नो फियर, कहते हैं कि जब उसे बादशाह के सामने लाया गया ना तो उसने बिल्कुल भी खौफ जाहिर ना किया। ही स्टूड स्ट्रेट एंड क्विट बिफोर द थ्रोन, थ्रोन कहते हैं तख्त को, तो कहते हैं वो बिल्कुल मतलब सीधा और चुपचाप बादशाह के जो तख्त है उसके सामने खड़ा रहा। किंग, अब बादशाह जो है वो तो बताया है जैसा कि पहले कि हार्ड क्रूअल, बहुत सख्त मिजाज है और क्रूअल है, बहुत जालिम भी है, सख्त जालिम किस्म के। सो पैथिस, अब वो कह रहे हैं उसे बुला के, सो पैथिस दे टेल मी यू डू नॉट अप्रूव ऑफ द लॉस आई मेक, कहता है कि मुझे पता चला है कि मैंने जो कवानीन बनाए हैं तुमने उन्हें पसंद नहीं किया।
तो अब उसके जवाब में पेथिस क्या कह रहा है? पेथिस कह रहा है आई एम नॉट अलोन, कहता है कि मैं तन्हा ही नहीं हूँ। योर मैजिस्ट्री, जनाबे आला, इन थिंकिंग योर लॉज आर क्रूअल, सिर्फ ये सोचने में कि आपके जो बनाए हुए कवानीन हैं वो इतने सख्त हैं, तो इस सोच में मैं तन्हा नहीं हूँ। बट यू रूल द पीपल विद सच एन आयरन हैंड दैट दे डेयर नॉट कम्प्लेन, कहता है असल वजह ये है कि आप लोगों पर ऐसे आयरन हैंड कहते हैं लोहे वाले हाथ, यानी कि इतने सख्त तरीके से आप ग्रिप करते हैं लोगों के ऊपर कि वो शिकायत करने की जो है जुरत भी नहीं कर सकते। किंग, अब बादशाह क्या कह रहे हैं? एंग्री, एकदम से वो नाराज़ हो गया कि ये मेरे आगे जो है ज़बान चला रहा है। क्या कहता है? बट यू हैव दी डेयरिंग टू कम्प्लेन फॉर देम, कहता है लेकिन, डेयर होता है जुरत करना, कहता है लेकिन तुमने उनकी तरफ से शिकायत करने की जुरत की है। हैव दे अपॉइंटेड यू देयर चैम्पियन, कहता है क्या उन्होंने तुम्हें जो है अपना चैम्पियन यानी कि हमायती मुकर्रर किया है? वो पूछ रहे हैं कि तुम्हें लोगों ने भेजा कि जाके बादशाह के सामने हमारी तरफ से भी बात करो। अब आगे से पैथिस क्या कह रहा है? नो योर मेजिस्ट्री, कहता है नहीं हजूरे वाला, आई स्पीक फॉर माई सेल्फ लोन, कहता है कि नहीं मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। आई हैव नो विश टू मेक ट्रबल फॉर एनी वन, कहता है कि मुझे किसी के लिए भी मुश्किल पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। बट आई एम नॉट अफ्रेड टू टेल यू दैट, कहता है लेकिन मैं आपको ये बताने में बिल्कुल भी नहीं, मुझे खौफ नहीं है या मैं डरता नहीं हूँ। द पीपल आर सफरिंग अंडर योर रूल, कहता है लोग जो है ना आपके ज़ेर हुकूमत जो हैं बहुत ज़्यादा सफरिंग यानी कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू हैव अ वॉइस इन मेकिंग द लॉस फॉर देम सेल्फ, कहता है लोग ये चाहते हैं कि उनके लिए जो कानून बनाए जाएं उसमें उनकी अपनी आवाज़ यानी कि अपनी मर्जी भी शामिल हो। यू डू नॉट अलाउ देम टू स्पीक अप फॉर देम सेल्फ, कहता है कि आप जो हैं लोगों को अपने लिए बोलने की भी इजाज़त नहीं देते कि लोग अपने लिए कानून बनाने में बोलें या अपनी कोई राय या मशवरा दें। अब बादशाह को गुस्सा आ गया सुन के, तो क्या कहता है किंग? इन अदर वर्ड्स, कहता है दूसरे लफ्ज़ों में, यू आर कॉलिंग मी अ टायरेंट, कहता है दूसरे लफ्ज़ों में तुम मुझे टायरेंट होता है जालिम जाबर, कहता है तुम मुझे जाबर कह रहे हो। वेल ठीक है, यू शैल लर्न फॉर योर सेल्फ, कहता है अब तुम्हें जो है ना तुम्हारे लिए सिखाना चाहिए हाउ आर टायरेंट ट्रीट्स अ रिबेल, कि किस तरह से एक जालिम हुक्मरान जो है वो एक रिबेल यानी कि एक बागी से कैसे सलूक करता है। तो अब उसने कहा सोल्जर, सिपाही, थ्रो दिस मैन इंटू प्रिजन, प्रिजन कहते हैं कैद को, कैद खाने को या कोठरी को, जेल को, कहता है इसको ले जाओ, थ्रो फेंक दो, कि इसे जो है ना जेल में जाकर डाल दो। सोल्जर आगे से सिपाही, एट वंस फौरन ही, योर मेजिस्ट्री, जी जनाब आला, डोंट ट्राई टू रेजिस्ट पैथिस, कहते हैं पैथिस को कि बिल्कुल भी तुम मज़ाहमत ना करो यानी कि हिलने की कोशिश ना करो। उसे पकड़ लिया है और उसे अब जेल में फेंकने के लिए लेकर जा रहे हैं। पैथिस आगे से क्या कह रहा है? आई नो बेटर देन टू ट्राई टू रेजिस्ट सोल्जर ऑफ द किंग, कहता है मैं जानता हूँ कि बादशाह के जो सिपाही हैं अगर मैं उनके साथ मज़ाहमत करूँगा या अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करूँगा तो उसका नतीजा क्या होगा। अब वो आगे से कह रहा है एंड फॉर हाउ लॉन्ग एम आई टू रिमेन इन प्रिजन, पूछ रहा है कि और कितना अरसा मुझे जो है यहाँ कैद में रहना होगा। योर मेजिस्ट्री, जनाब आला, मेरिली फॉर स्पीकिंग आउट फॉर द पीपल, कहते हैं सिर्फ, मेरे लिए का मतलब होता है ओनली, कहते हैं सिर्फ इस वजह से कि मैं लोगों के लिए जो है बोला हूँ, लोगों के लिए बोलने की वजह से आखिर मुझे आप कितना अरसा कैद में रखेंगे। उसने ना बादशाह से अब ये सवाल किया है। किंग अब आगे से क्या कह रहा है? क्रूअल, अब जो कि यानी कि उसका बता रहे हैं करेक्टर कि वो बहुत जालिम है ना, तो उसने जब ये सुना है कि वो सिर्फ सवाल कर रहे कितना अरसा रहूँगा, कह रहे हैं नॉट फॉर वेरी लॉन्ग पैथिस, कहता है पैथिस तुम यहाँ पर ज़्यादा अरसा नहीं रहोगे। टू वीक फ्रॉम टूडे एट नून, कहता है ठीक दो हफ्ते बाद आज से जो दोपहर आएगी, यू शैल बी पुट टू डेथ, तो कहता है तुम्हें मरना होगा इन द पब्लिक स्क्वेयर। पब्लिक स्क्वेयर कहते हैं वो जो चौक होता है जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, आवामी चौक आप कह लें। एज एन एग्जाम्पल टू एनी वन एल्स हु मे डेयर टू क्वेश्चन माई ला और एक्ट्स, कहता है कि क्या कह रहा है कि अब तुम्हें जो है ना ठीक यहाँ से दो हफ्ते बाद अवामी चौक में सजाए मौत
दे दी जाएगी दूसरे ऐसे लोगों के लिए जो हु मे डेयर टू क्वेश्चन, जो कि जुरत कर सकते हैं किस चीज़ की, मेरे कवानीन के ख़िलाफ़ बोलने की या कोई अमल करने की, तो उनके ख़िलाफ़ जो है ना, इसलिए उसको चौक पर फांसी दे रहा है कि ताकि सब लोग इबरत पकड़ें कि देखो इसने बादशाह के कवानीन के ख़िलाफ़ बोला है तो इसे कितनी भयानक सज़ा बादशाह ने दी है। अब वो गुस्से में क्या कह रहे हैं, ऑफ टू प्रिजन विद हिम, सिपाहियों को इशारा करके कह रहे हैं कि ऑफ टू प्रिजन, कि इसे कैद खाने में ले जाओ फौरन। अब क्या हुआ है, म्यूज़िक इन ब्रीफली एंड आउट, कि मौसीकी मुख्तसर सी थोड़ी सी आवाज़ आई है और उसके बाद जो है ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पर देखें कसूर उसका कोई भी नहीं है, सिर्फ ये है कि उसने बादशाह का एक बनाया हुआ जो लॉ है, कानून है, वो पसंद नहीं किया। अब हमारे पास शुरू हो गया है सीन थ्री, तीसरा मंजर। अब हम देखेंगे कि तीसरे मंजर में क्या हुआ है, अब हमें नरेटर क्या कह रहा है जो किस्सा गो है। When Damon heard that his friend Pethys had been thrown into prison, कहता है जब डेमन को पता लगा कि उसका जो दोस्त है पैथिस कैद खाने में डाल दिया गया है, एंड अबाउट दी स्वियर पनिशमेंट डेट वॉज टू फॉलो, ही वॉज हार्ट ब्रोकन, और जब उसने वो शदीद किस्म की जो पनिशमेंट है, जो सज़ा है, सख्त सज़ा उसने सुनी, तो उसका जो है हार्ट ब्रोकन, उसका दिल टूट गया। ही रश्ड टू द प्रिजन, वो रश्ड होता है तेज़ तेज़ भाग कर जाना, वो तेज़ी से जेल पहुंचा, कैद खाने पहुंचा, एंड परसुएटेड दी गार्ड टू लेट हिम स्पीक टू हिज फ्रेंड, और जो है गार्ड हैं वहाँ के जो सिपाही हैं या महाफिज हैं, उनको इस बात पर कायल करने की कोशिश की कि उसे उसके दोस्त से बात करने दी जाए, क्योंकि बहुत पक्की फ्रेंडशिप है ना दोनों की। डेमन अब पहुंच गया प्रिजन और कह रहा है ओ पेथिस हाउ टेरिबल टू फाइंड यू हीयर, कहता है कि देखो पैथिस तुम्हें यहाँ पर देख कर ना मुझे कितना ज़्यादा अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है। आई विश आई कुड टू डू समथिंग टू सेव यू, कहता है मेरी ये ख्वाहिश है कि काश मैं तुम्हारे बचाव के लिए कुछ कर सकूँ, क्योंकि पक्के दोस्त जो हैं। अब पैथिस उसे आगे से क्या कह रहे हैं, नथिंग कैन सेव मी, कहता है कोई भी चीज़ मुझे नहीं बचा सकती। डेमन माई डियर फ्रेंड, कहता है डेमन मेरे अजीज दोस्त मुझे कुछ भी नहीं बचा सकता। आई एम प्रिपेयर्ड टू डाई, कहता है मैं जो है ना मरने के लिए तैयार हूँ। बट देयर इज़ वन थॉट दैट ट्रबल्स मी ग्रेटली, कहता है सिर्फ एक सोच है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है। अब डेमन आगे से उससे पूछ रहा है वट इज़ इट, कहते हैं ये क्या है। आई विल डू एनी थिंग टू हेल्प यू, कहते हैं मैं तुम्हारी मदद के लिए कुछ भी करूँगा। पैथिस उसे कह रहा है आई एम वरीड अबाउट वट विल हैपन टू माई मदर एंड माई सिस्टर वैन आई एम गोन, कहते हैं मुझे इस बात की परेशानी है कि मेरे मरने के बाद मेरी माँ और मेरी बहन का क्या होगा जब मैं चला जाऊँगा। डेमन कह रहा है आई विल टेक केयर ऑफ देम, कहते हैं मैं उनका ख्याल रखूँगा। पैथिस As if they were my own mother and sister, कहते हैं बिल्कुल इस तरह से जैसे कि वो मेरी अपनी माँ और बहन हो, यानी कि अपनी माँ और बहन की तरह मैं उन दोनों का ख्याल रखूँगा। अब पैथिस आगे से सुन के अपने फ्रेंड का जवाब क्या कह रहे हैं, थैंक यू डेमन, कहते हैं डेमन तुम्हारा शुक्रिया। आई हैव मनी टू लीव देम, कहते हैं मेरे पास पैसे हैं यानी कि उनके लिए जो मैं छोड़ के जाऊँ। बट देर आर अदर थिंग्स आई मस्ट अरेंज, कहता है लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें मैंने तरतीब देना है या सेटल करना है। इफ़ ओनली आई कुड गो सी देम बिफोर आई डाई, कहता है और वो चीज़ें तभी हो सकती हैं अगर मैं मरने से पहले उन्हें देखने जा सकूँ। बट दे लिव टू डेज जर्नी फ्राम हेयर यू नो, कहता है लेकिन तुम जानते हो कि वो यहाँ से दो दिन के फासले पर रहती हैं, क्योंकि ये बहुत पहले की स्टोरी है, तो उस टाइम लोग एनिमल्स पे ट्रैवल करते थे या पैदल ट्रैवल करते थे। कहते हैं कि वो इतनी दूर रहती हैं कि दो दिन मुझे जाने में लगेंगे और दो दिन आने में लगेंगे, क्योंकि बादशाह ने तो जबकि कह दिया है कि इसको अब यहाँ से ठीक दो हफ्ते बाद इसको फांसी दे देंगे, लेकिन ये अपना जो है बिज़नेस वगैरह, अपना कोई मामला जो है वो सेट करना चाह रहा है अपनी मदर और सिस्टर के लिए। डेमन जो है अब उसकी परेशानी सुनकर क्या कह रहा है, आई विल गो टू द किंग एंड बेग हिम टू गिव यू योर फ्रीडम फॉर अ फ्यू डेज। अब क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड है, कहता है कि मैं बादशाह के पास जाऊंगा और बेग होता है मिन्नत करना,
भीख मांगना कि मैं उसकी मिन्नत समाजत करूँगा कि आपको जो है ना तुम्हें कुछ दिन के लिए रिहा कर दे या आज़ादी दे दे। यू विल गिव योर वर्ड्स टू रिटर्न एट द एंड ऑफ दैट टाइम। और कहते हैं मैं बादशाह को साथ ये भी कहूँगा कि जब तक तुम कहोगे तो तुम वापस अपने दिए हुए टाइम पर वापस आ जाओगे, क्योंकि ये कॉल के पक्के हैं इसलिए कह रहे हैं। एवरी वन इन सिसिली नोज यू फॉर अ मैन हु हैज़ नेवर ब्रोकन हिज वर्ड्स। कहते हैं क्योंकि सिसिली वो जो आईलैंड है, हर कोई जानता है कि तुम वो वाहिद इंसान हो जिसने कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ा है, क्योंकि वो जानता है अपने दोस्त को कि मेरा दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वादा करके वापस ना आए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो लेसन है डेमन एंड पैथिस, इसका पार्ट वन कम्प्लीट होता है। बाकी पार्ट देखने के लिए, पढ़ने के लिए आप इससे नेक्स्ट वीडियो देखिए।